तरह ध्यान करो, अपने सदगुण का ध्यान करो और अंदर का भजन करो, और जो संत मध्य सुन ले सदगुण में सेवा करो, ये करो वो करो, वो मुक्ति प्राप्त कर दे। जोड़ा जीव सदगुण का एक हुक्म मानता है ना, वो मुक्त पुरुष। वचन पालन का, सेवा का बड़ा महत्व है। नाम ही वो नहीं विसारना जो नाम में हृदय चारना, सच्चा नाम जरा है अंदर का, क्या शब्द तुलनात्मक नाम। तुलनात्मक नाम जपन के कोई हर्ज नहीं, पावन मजबूत होती है, लेकिन सुख आत्मा जागृत नहीं होती। और तुलनात्मक नाम के नाम यदि चलाई हो सकती है, तुलनात्मक नाम में चलाई हो सकती, अपने ध्यान में कागर करने वास्ते थोड़ी देर जो चाहते हैं अपने चिमन कर सकते हैं, लेकिन यह सिमरन छा वर्णात्मक जो पानी नाम है, तनात्मक सिमरन पकड़न के नाम ही चढ़ाई पड़ेगी। एक नौ प्रभाव नहीं चला जाए, ये आत्मा सिर्फ स्थिर हो जाएंगे एक जगह पर, उन्होंने इतों चढ़ाई शुरू कर। एक आदमी है किन्ना लग दौ दो टाचियों में चुका है, एक आदमी में चिड़े भी फल है, एक सिर्फ भी लग गया है, कि उस आदमी किसी को चढ़ाई चढ़ के उतों तक जा नहीं जा सकते। इस तरह असी वो ममता आशा कृष्णा विषय विकार में शौक और न्याय और मैत्री और बुद्धि की रचना जिस तरह सिफी पी समुद्र के किनारे दूरों किसा किसा चांदी नहीं सी, जिस तरह का कोल जाओ तो चांदी नहीं होती, वो सिफी ही होती है, वो भ्रांति सभी हर बन गई। इस तरह सप तुसी जा रहे हो किधर, रात का वेला है, सब नहीं सब उधर भी लोग कट्ठे हो रहे हैं, इधर भी सड़क पे कट्ठे हो रहे हैं, सोटी भी भर रहे हैं, जैसे कोई टॉर्च वाला आए इधर टॉर्च मारना है, और हमें सब थोड़ा इधर रस्सी सी भाई, और मेरा पैसे ये खत्म हो गया ना, जब पता लगा इधर रस्सी है। इस तरह ही असी जो बाहर मुखी होकर पूजा पाठ करते गए हैं और उस पत्थर पत्तियां ने जो लंदर में बैठता है जी, और सतगुरु के सत्संग के नाल ज्ञान आम के नाल वो क्रांति खत्म हो गई, वो परम खत्म हो जाता है। सब कुछ जो है अंदर ही साडे शरीर के विच ही एक अंदर महल है जिस तरह चो नाल आ भी बैठा, और इस सत्संग के नाल ज्ञान प्राप्त होने के नाल एक परम मिट जाता है। पे सुख जो जाने कूड़ा, गुरु चरणन में लागे पूरा। संसार तो जिन व्यक्ति हो जाएगी ना उन्हें सब चूक नजर आए, सब चूक, कोई सच नहीं। सच की है दुनिया की एक ही चीज सच है, वो है अंदर का शब्द, अंदर का नाम, वो नाश कभी नहीं होता। आज तक जो भी सृष्टि की रचना हुई है ये आज सच, वाज सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सच की है जरा कभी नाश ना, जब तो सृष्टि की रचना हुई है उदो तो ही यह युक्ति सतगुरु ने सत्संग के द्वारा वक्तन बवक्तन हर युग के लिए दिखती है कि अंदर ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं। बाहर हिंदे सब धर्म बनाए, वो परमेश का है, वो ये है। जेड़ा सतगुरु की सेवा के विच है, उसकी हुक्म के विच है, और अंदर भजन बंदगी करता गया है, उसमें अंदर की भ्रांति नहीं रहती कि बाहर है परमात्मा, वो कहें साडे घट च है, और उसका ज्यादा रूप जो है सतगुरु है, जो कि शरीर जो है साडे कोल आया है, और सानू उहदा दा रस्ता दस। किधर भी जाना हो पहली बार रस्ता आदमी गुआ जाए, कभी किधर भी सड़क से चलाता है, कभी किधर भी चलाता है, लेकिन जब उसको कॉन्टैक्ट हो गया उस बंदे का जरा कि उस पर घर जाना चाहता है, तो वो भी गल सुन के अपनी सड़क बदल लेता है रस्ता, और उन्हें घर पहुंच जाता। इस तरह सतगुरु साडा गाइड है, साडा मास्टर है, साडा रेगुलर है, लेकिन है वो मालिक सच्चा आप। अगर वो साडे वर्गा चोला लैके ना आता
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸਨ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ समार जो जन सूरा चरण दास सजो हो रे वेद समार जो जन सूरा चरण दास सजो Thank you.